सुगरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे हम, क्योंकि आपसे बेहतर शायद ये कोई नहीं बता पाएगा, ये बताइए कि इस बजट के हाई पॉइंट्स क्या हैं और देश ने इस बजट को किस तरह से लिया। देखिए, अभी तक जो प्रतिभाव हमको मिला है उसमें ऐसा लग रहा है कि हर तरह से लोगों ने, हर प्रकार के लोगों ने इसका स्वागत किया है। और हाई पॉइंट इस बजट का अगर आप पूछे मुझे तो ये है कि सरकार का एक ये डिसीजन था, एक प्रकार का एक संकल्प था कि गांव, रूरल एरिया में और एग्रीकल्चर में जहां पर सबसे ज्यादा लाइवलीहुड की जरूरत है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है, जहां एक प्रकार की आमदनी में कुछ एश्योरेंस देने की जरूरत है, वो एरिया के लिए पैसा जुटाने में हम कंजूसी ना करें। और इसी एम को लेके हमने रूरल सेक्टर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन ऐसे सेक्टरों में सबसे ज्यादा प्रावधान किया है। मैंने आपसे सवाल ये भी किया था दूसरा कि देश ने इसको किस तरह से लिया, तो ये सवाल इसलिए भी पूछा था क्योंकि शेयर बाजार जो है वो 850 पॉइंट गिर गया। देखिए, ऐसा है कि शेयर बाजार का जो रिएक्शन था वो एक्सपेक्टेड था। इनफैक्ट ऐसे रिएक्शन को देखते हुए ही अभी तक 13 साल में ये डिसीजन नहीं हो पा रहा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसकी बहुत जरूरत थी लगाने की, वो नहीं लग रहा था। तो इस बार सरकार ने एक निश्चित कदम उठाया है और ये हम अपेक्षा कर रहे थे कि इसके कारण थोड़ा बहुत करेक्शन स्टॉक मार्केट में होगा ही होगा। सर, हम इस चर्चा को आगे खोलेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान यहां मौजूद है जिनके मन में बहुत सारी क्वेरीज हैं बजट को लेकर, क्योंकि नेता यहां पर थे तमाम, वो सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन चूंकि टेक्निकलिटीज जो हैं वो आप अच्छी बेहतर तरीके से समझा पाएंगे तो वो सवाल भी हम लेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि सबका साथ लेकिन मध्यम वर्ग जो है वो खाली हाथ, मध्यम वर्ग में खासी नाराजगी। देखिए, ऐसा है कि ऐसा संभव नहीं होता कि हर वर्ग की हर साल अपेक्षा कि टैक्स में हमारी कटौती होनी चाहिए, इस तरह की अपेक्षा हर वर्ग की हर साल सरकार पूरा नहीं कर सकती। ये 2014 का जो सबसे पहला बजट ये नई सरकार का था, उसमें इतने सारे कंसेशन मिडिल वर्ग के लिए दिया था और सबके लिए, तो वो सब मैं नहीं गिनाना चाहता, वो सब जानते हैं। 2 लाख से 2.5 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट किया था, ATC में जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है उसको भी 50,000 बढ़ाया था, इंटरेस्ट डिडक्शन भी 50,000 का बढ़ाया था उस साल में हाउसिंग के लिए। तो ये सब कदम उस साल में उठाए। लास्ट ईयर भी हमने जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच की जो आमदनी वाले लोग हैं जी, उनको भी 5% किया, 10% स्लैब से 5% किया। तो ये सब लाभ सरकार ने ऑलरेडी 2-3 साल में दे चुकी है। अब ये संभव नहीं है कि हर बजट में हम सिर्फ कटौती ही कटौती करते जाएं, क्योंकि हमें कुछ साल तक वो कुछ स्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू भी चाहिए। सर, ये थोड़ा समझाएंगे, आपकी 40,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऐलान किया है आपने, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल रिइंबर्समेंट की सुविधा छीन ली, तो एक तरफ से दिया दूसरी तरफ से वापस ले। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर कर्मचारी को, हर एम्प्लॉई को ट्रांसपोर्ट और मेडिकल अलाउंस की सुविधा अपने एम्प्लॉयर के द्वारा मिलती है। काफी सारे ऐसे छोटे वर्ग के एम्प्लॉई होते हैं, उनको तो दोनों में से एक भी सुविधा नहीं मिलती। कुछ ऐसे होते हैं जिनको दोनों में से एक सुविधा मिलती है, तो 40,000 तो उनको भी मिलेगा। उनको तो कोई सुविधा नहीं थी ये सब टैक्स डिडक्शन लेने की, उनको 40,000 का पूरा लाभ मिलेगा। सिर्फ एक छोटा सा ऐसा वर्ग है जिनको ये दोनों सुविधा मिल रही थी, उनको थोड़ा जो लाभ है वो कम मिलेगा बाकी लोगों से, बाकी सबको तो 40,000। पेंशनर है जैसे, अब पेंशनर को भी ये 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अब उनको कहां कोई कन्वेयंस की फैसिलिटी या कोई मेडिकल अलाउंस मिल रहा था पेंशनर को, तो ये मिडिल वर्ग के ज्यादातर लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अभी एक बड़े नेता विपक्ष के आए थे आपसे कुछ देर पहले, वो ये कह के गए कि मिडिल क्लास को आपने 1 किलो टमाटर दिया है। मिडिल क्लास के 1 किलो टमाटर दिया है इस बजट में। टमाटर 1 किलो, टमाटर का मिडिल क्लास से क्या संबंध है? मिडिल क्लास का टमाटर के कोई संबंध नहीं, एग्रीकल्चरिस्ट का टमाटर के साथ संबंध है। और एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो टमाटर, आलू, प्याज को लेकर काफी सालों में दुखी होते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि हर महीने 36 रुपए का केवल फायदा है, ये टमाटर का जिक्र इसलिए किया, 1 किलो टमाटर। वो पता नहीं है, वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये कैलकुलेशन कैन बी रिकैलकुलेटेड ऑल्सो। सर, MSP की लागत जो है 1.5 गुना करने की बात कही गई बजट में, लेकिन लागत तय करने का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा? देखिए, उसमें इसकी फॉर्मूला के 2-3 विचार सरकार के सामने आए हैं। पहले क्या होता था कि MSP डिक्लेयर करने के बाद सब फार्मर की अपेक्षा ये रहती थी, स्टेट गवर्नमेंट की अपेक्षा ये रहती थी कि भारत सरकार इसकी पूरी व्यवस्था करे, लेकिन ये भारत सरकार के लिए हमेशा संभव नहीं होता है कि प्रोक्योरमेंट की पूरी सुविधा हर क्रॉप के लिए हर स्टेट में इसकी इंतजाम करे। तो जो बड़े बड़े क्रॉप है उसकी तो अरेंजमेंट फूड कॉरपोरेशन के माध्यम से, नाफेड के माध्यम से सरकार कर रही है, भारत सरकार।
तो इस बार विचार ये था कि हमको अगर प्रोक्योरमेंट की जो प्रोसीजर है उसको व्यापक करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। तो इसमें दो तीन मॉडल की बात हो रही है। अब सवाल ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना है तो उनको बिना पूछे करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। सर ये बताइए कि हम नमो केयर की बात करें, मोदी केयर की बात करें, गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा की योजना, पहली बात तो ये कि कब से लागू होगी और इस बजट में पैसा नहीं रखा गया है? पैसा रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी बड़ी इंश्योरेंस स्कीम की बात कर रहे हैं हम कि जिसमें कम से कम इसको पूरी प्रोसीजर, सबसे पहले आपको हॉस्पिटल, सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना होगा कि सेकेंडरी और टर्सरी में कौन कौन सी बीमारी होगी, फिर उसके लिए क्या सीलिंग होगी, कितना पैसा तक ही हम दे पाए, मतलब उसमें हॉस्पिटल को एम्पैनल करने से पहले हमको उनको बताना होगा कि आपको अगर इसमें एम्पैनल होना है तो आपको इतना इतना दर पे करना पड़ेगा, फिर हॉस्पिटल का एम्पैनलमेंट होगा, फिर इंश्योरेंस कंपनी का टेंडरिंग होगा, तो ये सब प्रक्रिया करने में 6 महीना लग जाएगा। सर सवाल इसलिए है कि सिर्फ 2000 करोड़ रुपए रखा है, बट 6 महीना तो वैसे भी लोगों को इससे फायदा कैसे मिले? नहीं नहीं 6 महीना तो वैसे भी इसमें निकल जाएगा। और दूसरा, ये पूरी भारत सरकार की स्कीम नहीं होगी, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी, इसमें 60-40 का बंटवारा होगा, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें जुड़ेगी। तो और बाकी ये 2000 तो टोकन प्रोविजन है, लेकिन हमने एक्चुअली 1% सेस जो लगाया हेल्थ के लिए ही लगाया है, जरूरत पड़ेगी तो जितना पैसा चाहिए, एक बार कमिटमेंट कर दिया फिर जो भी प्रीमियम आएगा या जो भी कॉस्ट आएगा सरकार लेगी उसको। कोई आदमी अगर हॉस्पिटल में बीमार होकर भर्ती होता है तो उसको वो बीमे का पैसा मिलेगा कैसे? उसको कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसी स्कीम बननी है, वो कैशलेस ट्रीटमेंट उसको एम्पैनल हॉस्पिटल से मिल जाए, जितनी भी प्रोसीजर सरकार डिसाइड करेगी सेकेंडरी और टर्सरी केयर की, वो सब प्रोसीजर के लिए गरीब आदमी को सिर्फ आधार कार्ड और आधार का अंगूठा लगाना है और वहां एडमिट हो जाना है, उनको कोई पैसा नहीं। सर ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि वहां एडमिट कोई होगा तो सिर्फ इलाज का पैसा मिलेगा या दवाइयां, जो दवाइयों का खर्चा होता है उसका भी पैसा उस मरीज को? वो वही तो मैं कह रहा हूं, वो सब मैटर ऑफ डिटेल है, वो डिटेल हेल्थ मिनिस्ट्री वर्कआउट करेगी। अब वो सब कंटूर्स मेरे पास नहीं होंगे बिकॉज मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट हैंडल करता हूं, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के पास इसका सबका एक। सर ये सवाल इसलिए बहुत सारे उठ रहे हैं क्योंकि पिछले साल भी 1 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा देने की योजना थी लेकिन उस पर भी कुछ काम नहीं हुआ, तो इसलिए डाउट्स। स्वास्थ्य बीमा की कोई 1 लाख की योजना पिछले साल नहीं अनाउंस हुई थी, अभी तक पिछले 4-5 साल से जो चल रही है वो 30,000 रुपये की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है जो कि मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है गरीब लोगों के लिए। नहीं ये इसलिए तो नहीं कि चूंकि सर क्लेम रेशियो अगर ज्यादा हो गया तो सरकार पर ज्यादा बोझ आएगा? जितना भी बोझ आए सरकार ने एक बार कमिटमेंट किया है तो सरकार अपना कमिटमेंट पूरा करेगी, इसमें कोई बेशक शक नहीं है। और कौन से निजी अस्पताल जो हैं वो इसमें शामिल किए जाएंगे या नहीं, इसको लेकर आपको नहीं लगता कि इसके करप्शन बढ़ सकता है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, आप स्टडी करिए कितने सारे स्टेट में ये स्कीम ऑलरेडी है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट 1 लाख का कवरेज दे रही है मेडिकल इंश्योरेंस का, कुछ स्टेट 2 लाख का दे रही है, इसकी पूरी प्रोसीजर बनी हुई है। सरकार हॉस्पिटल का एम्पैनलमेंट करते हैं और वो हॉस्पिटल को अगर एम्पैनलमेंट करते हैं तो उसी दर पे उनको ट्रीटमेंट देना है और उसका पूरा खर्चा जो हॉस्पिटल का आएगा वो या तो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी या सरकार खुद उठाएगी। सर यही वो बिल डायरेक्टली हॉस्पिटल से सरकार को आना है, क्योंकि सुबह से जो तमाम विपक्ष के नेता यहां आए थे वो ये कह रहे थे कि मोदी जी ने कुछ नया नहीं किया, ये योजनाएं जो है पहले से चली आ रही थी, बस उसको नया प्रारूप देने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं है, एक तो पहले क्वांटम बहुत बड़ा है, 30,000 का आप 5 लाख कर रहे हैं और दूसरा इसमें व्यापक वर्ग को अभी जो मिल रहा है वो 3-4 करोड़ लोगों को मिल रहा है, अभी तो हम 10 करोड़ फैमिली, मतलब 50 करोड़ लोगों को पहुंचाने की बात है ये। सर आप यहां कमिटमेंट कर रहे हैं, सलमान खान कमिटमेंट करता है, आप भी कमिटमेंट कर रहे हैं क्योंकि ओबामा केयर इतनी बड़ी वो फेल हो गई, सरकार तो ऐसे ने, में ये चल जाएगी, सरकार ने इसकी गारंटी क्या है सर? नहीं नहीं सरकार तो आप कमिट कर रहे हैं यहां पर? नहीं नहीं सरकार ने कमिट किया है बजट में जी, सरकार ने कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि इस योजना को हाथ में लेना है, अब सरकार का कमिटमेंट तो सरकार पूरी करेगी ही ना, उसमें कौन सा सवाल है, मैं कौन सी नई कमिटमेंट दे रहा हूं, वो तो सरकार ने कमिटमेंट किया है। और सर किसानों को फायदा इसमें सीधे सीधे देने की कोशिश की गई है, उन तक सही दाम जो है वो पहुंचे, एमएसपी की मैं बात करूं, उसके लिए क्या प्रावधान किए गए? इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि 2 या 3 स्कीमें किसानों को फायदा पहुंचाने की, या तो आप हर स्टेट गवर्नमेंट को बोलो कि डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करे और उसका जो नुकसान होगा उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ उसमें से वो कर ले, और दूसरा ऑप्शन है कि आप प्रोक्योर मत करो लेकिन जितना किसान को नुकसान हो रहा है सस्ते दाम में बेचने का और जो एमएसपी है उसके बीच का डिफरेंस उनको दे दो। दोनों स्कीम की बात, ऑपरेशन ग्रीन के बारे में कुछ बताइए, ये कैसे चलेगा? बड़ी देखिए ऐसा है, पहली बार बजट में आलू टमाटर प्याज इनका जिक्र हुआ। देखिए ऐसा है कि ऑपरेशन फ्लड में क्या हुआ था कि सरकार ने कॉन्सेंट्रेटेड वे में
दूध के प्राइस फार्मर को अच्छे मिले उसके लिए एक व्यवस्था की, कोल्ड स्टोरेज बनाया, चेन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया, हर डिस्ट्रिक्ट में डेयरी बनाने की कोशिश की, और उसकी उसके कारण आज ये परिस्थिति आई है कि दूध का जो प्रोडक्शन है वो बड़ा देश में, और फार्मर को भी इसमें फायदा हुआ जब कोऑपरेटिव डेयरी का नेटवर्क बना और कोल्ड चेन बना। तो उसी तरह से संभव है कि ये तीन जो सेंसिटिव कॉमोडिटी है वेजिटेबल की, उसके लिए हम ये पूरा प्रावधान ऑपरेशन फ्लड की तरह कर सकते हैं। तो उसी मॉडल पे, ऑपरेशन फ्लड मॉडल पे कोशिश की जाएगी कि आलू, प्याज और टमाटर का वैल्यू एडिशन हो, कोल्ड स्टोरेज हो, जहां पर डेफिसिट है उसमें तुरंत पहुंचाया जाए ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक के द्वारा जी, तो इससे किसान को फायदा होगा। सर ये सवाल तमाम इसलिए भी आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि तमाम ये टेक्निकलिटीज जो है आप अच्छे से समझा सकते हैं, हमें लग रहा है हम एक पाठशाला में हैं और आप मास्टर की तरह हम सब बच्चों को समझा रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसी किसान के पास टमाटर बहुत हो गया जी, तो उसको सही दाम मिले उस तक जाएगा कौन उस टमाटर को खरीदने के लिए, वही बात प्याज को लेकर आलू को लेकर? नहीं, वही है, हमें क्लस्टर अप्रोच में जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू स्टडी कि कौन से देश के पॉकेट में टमाटर ज्यादा हो रहे हैं, ऑनियन ज्यादा हो रहे हैं, पोटेटो ज्यादा हो रहे हैं, और कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, वो कंजम्पशन सेंटर को प्रोडक्शन सेंटर के साथ लिंक करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स के द्वारा, और जरूरत पड़े तो उसको कोल्ड स्टोरेज चेन भी खड़ा करना पड़ेगा, और वो करने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने पड़ेंगे और ऑपरेशन ग्रीन्स के माध्यम से ये सब एक्टिविटी की जाएगी। टैक्स स्लैब बढ़ाने की बात हो रही थी, मिडिल क्लास जो है सबसे बड़ा सवाल तो उनका वही है 5 लाख तक का, तो उसको लेकर निराशा हुई है जरूर। देखिए ऐसा है कि टैक्स स्लैब बढ़ाने में काफी सारा नुकसान हो जाता है, और एट द सेम टाइम जो हम बात करें कि टैक्स नेट को एक्सपांड करना चाहिए, उसके बदले में वो हर साल जैसे 2 लाख से 2.5 लाख हमने जब किया तो 50 लाख लोग टैक्स नेट से बाहर निकल गए, तो फिर तो वो फायदा नहीं है। और दूसरा कि दो वर्ग के लोग टैक्स पे कर रहे हैं, एक व्यापारी वर्ग है, दूसरा सैलरीड क्लास है। अब व्यापारी वर्ग कितना टैक्स पे करे उसके आंकड़े बजट में वित्त मंत्री जी ने दिए हैं, अब वो उसकी कंपैरिजन कर लीजिए कि व्यापारी वर्ग जो कि अपना टर्नओवर ठीक तरह से दिखाते नहीं है और वो टैक्स भी कम पे करते हैं, फिर उनको कोई ज्यादा रिलीफ देने की आवश्यकता है, या सिर्फ सैलरीड क्लास जो कि ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, 3 गुना टैक्स पे कर रहे हैं सैलरीड क्लास, तो उनको कोई रिलीफ देने की जरूरत है। तो इस बार सरकार ने ये चुना कि वो टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाने के बदले में वो 40,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन। चलिए सर, किसानों को खुश करने की कोशिश की गई, हम अभी सवाल आपसे लेंगे, हम आ रहे हैं आपके पास, कुछ सवाल मेरे हैं फिर आपके पास मैं आऊंगा। सर अलग अलग सवाल मैं ले रहा हूं, किसानों की हमने बात कर ली, मिडिल क्लास की हम बात करें, सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को हो रहा है। अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें सर, एक्साइज ड्यूटी एक तरफ आप कम करते हैं, सेस बढ़ा देते हैं, तो पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ या महंगा हुआ वो समझ नहीं आ रहा, वो थोड़ा कंफ्यूजन। देखिए ऐसा है कि जो बजट में हमने एक्साइज ड्यूटी का जो फेरबदल किया है वो सिर्फ एक्साइज एड से सेस में ले गए, क्योंकि एक्साइज में जनरल पैसा यूज हो जाता है सरकार की किटी में, लेकिन उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में ले गए 2 रुपया पर लीटर, तो कंज्यूमर को उसमें नेट टू नेट कोई ना गेन है ना नुकसान है, कंज्यूमर प्राइस पेट्रोल डीजल के बदलेंगे नहीं, लेकिन उससे फायदा ये होगा कि जो हम सेस में ले गए वो पैसा हम स्पेसिफिकली रोड एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेंड करेंगे, वो किटी उसी के लिए रखा गया है, तो उतना ही हमने सिर्फ फर्क किया है। तमाम यहाँ पर ऑडियंस मौजूद है सर, इनको किसी तरह की एश्योरेंस पेट्रोल और डीजल के दाम को दे पाएंगे आप लेकर कि क्या वो वाकई कम होने वाले हैं? कोई एश्योरेंस नहीं देंगे, लेकिन सरकार सेंसिटिव है इस मामले में। अक्टूबर महीने में सरकार ने डीजल पे 2 रुपया, पेट्रोल पे 2 रुपया कम किया अपना टैक्स, और उसके कारण 26,000 करोड़ का सालाना नुकसान है 2 रुपया सिर्फ कम। नुकसान की आप बात करें, स्टैंडर्ड डिडक्शन से 8,000 करोड़ का जो सरकारी खजाने को चपत लगेगी उसकी भरपाई कैसे होगी सर? नहीं, उसी के लिए तो हमने दूसरी जगह टैक्स बढ़ाया ना, हमने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स डाला है उसमें से हमारा उम्मीद ये है कि 20,000 करोड़ आएगा। चलिए हम कुछ सवाल लेते हैं ऑडियंस से, आप जी हाँ ये माइक दीजिएगा प्लीज। सर मेरा नाम आरपी शर्मा है और मैं जॉब में हूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, क्योंकि जब मोदी सरकार के पहले जब सरकार आनी थी तो ये अखबार में काफी न्यूज चली कि मोदी सरकार के आने के बाद में इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर नोटबंदी के टाइम में इस तरह का बहुत चर्चाओं में आया कि जब ये नोटबंदी पूरी हो जाएगी तो इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा। सर सवाल ये, लेकिन वो भी नहीं हुआ। पैसा रखें कहां? कहां कहीं भी रखें, लॉन्ग टर्म अगर प्लानिंग करते हैं तो वहां से भी नुकसान जो है वो मिडिल क्लास को ही भुगतना पड़ रहा है, जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। देखिए कैपिटल मार्केट में आपको नुकसान नहीं हो रहा है जी, कैपिटल मार्केट आज हर साल 15% से ज्यादा अधिक रेट से बढ़ रही है,
तो अगर उसके ऊपर 10% भी हम डाल दे, आप बैंक में अगर पैसा रख रहे हैं तो है ही नहीं कि बैंक में रखा, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो भी इनकम हो रही है उसके ऊपर आप 30% या 20% स्लैब में टैक्स दे रहे हैं, तो इसमें अगर 10% टैक्स लगाया है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। और सर एक चीज और, बस आपका सवाल हो गया, और सवाल ले लेते हैं हम। जी आप सवाल। सर मेरी एक आपसे गुजारिश है, थोड़ा माइक ऊपर करिए सर। हेलो, मेरी एक गुजारिश है कि हमारी इंडस्ट्री जो पहले यहां मैन्युफैक्चरिंग करती थी आज क्यों मजबूर है चाइना से माल इंपोर्ट करने के लिए? क्या हमारी टेक्नोलॉजी फेल है उसके आगे? वो हमारा माल भी सस्ता है, उनका माल भी सस्ता और हमारे से क्वालिटी भी उनकी अच्छी है, तो गवर्नमेंट ने बजट में उसके लिए क्या किया? नहीं मतलब कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं आप? सभी इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, आप सभी मटेरियल चाइना से आ रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं, हमारा यहाँ की इंडस्ट्री सारी बैठ गई। नहीं, इसीलिए तो बजट में आपने शायद फुटप्रिंट नहीं देखा, उसका एनेक्सर है कितनी सारी ऐसी आइटम के जो इंडिया में लघु और मध्यम उद्योग बना सकती है, वैसी सब आइटम के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 10% से 20% की गई है, वो उसी वजह से। सर मेरा सवाल, टॉयज है, फर्नीचर है और कुछ ऐसी आइटम, फुटवेयर है, वो सब आइटम इंडिया में क्यों नहीं बन सकती? सर मेरा सवाल अलग है, हमारे उनकी टेक्नोलॉजी भी हमारे से बेहतर है और उनके रेट भी हमारे से कम है, ये हमारे यहाँ पे एजुकेशन का क्या उसमें लिए आपने किया है कि हमारे यहाँ के लोग एजुकेट हो जाए, इंडस्ट्री वाले लोग जो उनके उनसे बेहतर माल वाले हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें? देखो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जब मदर इज द मतलब नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, सो ऑटोमेटिकली लोग यहाँ के लोग जो है इंडस्ट्री वाले अपने आप को एडजस्ट करते रहेंगे। सर एक प्रॉब्लम ये है कि जो टैक्स की चोरी करे वो बच जाए और जो टैक्स भरे वो फंस जाए, हर तरीके से वो मारा जाए, दिक्कत तो ये है ना, उसका क्या समाधान है? नहीं, इसलिए तो सरकार पिछले 3 साल में एंटी इवेजन मेजर्स कितने लिए हैं सरकार ने, और ये जो हमने आंकड़े दिए हैं वो भी प्रजा को बताने के लिए कि भाई आप देखिए कि समाज में क्या हो रहा है, कौन सा वर्ग है जो कि टैक्स की चोरी कर रहा है या जो बाकी जो है वो कौन टैक्स भर रहा है, तो उसी के लिए तो ये सब प्रयत्न है। यही सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, हम सड़कों पर देखें बड़ी बड़ी कारें, BMW, मर्सिडीज, तमाम कारें दिखती हैं, लेकिन जो टैक्स भरने वाले हैं वो इतने कम क्यों है? सवाल इसलिए भी पैदा हो, सवाल वहीं समाज को भी ये सवाल पूछना है ना कि भाई उनके लिए भी, इसीलिए ऑल अवर एक्शंस ऑफ, तो इसका सॉल्यूशन क्या है सर, समाधान क्या है? सॉल्यूशन तो जो हम कर रहे हैं वही है, हमने एंटी ब्लैक मनी कितने एक्शन लिए, डिमोनेटाइजेशन से लेके बेनामी एक्ट से लेके कितने सारे इश्यूज में, जैसे हमें पिछले में प्रावधान किया, ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट को डोनेशन रिसीव करने के लिए पिछले साल हमने किया था कि 2000 से ऊपर का चेक के अलावा रिसीव नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपेंडिचर ट्रस्ट वाले हजारों रुपये का, करोड़ों रुपये का कैश में कर सकते थे, अब हमने लिमिट लगाई है कि अगर आप 10,000 से ट्रस्ट में कोई भी एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, फिर अगर आपको 12AA का इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन है तो आपको अपना हर खर्चा 10,000 से ऊपर सिर्फ चेक के माध्यम से करना है। सो कितने सारे ट्रस्ट थे, एजुकेशन हेल्थ वाले ट्रस्ट जो कि कैश के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते थे और वो पैसा ट्रस्ट से बाहर निकल जाता था, तो वो चेक से करना है। अरे साहब ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि नोटबंदी आपने लगाई उससे क्या सही मायनों में फायदा हुआ, क्योंकि ढेरों जो हैं गड्डियों की गड्डियां जो हैं वो हजार और 500। देखिए हमने जो आंकड़ा दिया है वो अपने आप में पर्याप्त है, हमने ये कहा है कि अगर नॉर्मल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की गति से चलते तो हमारा टैक्स का इनकम इतना हुआ होता, उसके बदले में ये 2 साल में 16-17 साल में मिलके 90,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा सरकार के पास आया। सर ये पुराने नोट अभी भी कैसे निकल रहे हैं? पुराने नोट की बात छोड़िए, बट आप ये बात तो मान लीजिए कि इट इज बिकॉज ऑफ ऑल दिस मेजर्स, डिमोनेटाइजेशन प्लस अदर एंटी ब्लैक मनी मेजर्स, के जिसके वजह से 90,000 करोड़ सरकार के पास 2 साल में एक्स्ट्रा आया टैक्स, इनकम टैक्स में, तो ये बड़ी सक्सेस है ये। अच्छा सर ये बताइए कि सीनियर सिटीजन्स का खास ध्यान रखा गया, ये एक अच्छी पहल है, उसमें किस तरह का फायदा इस बजट में दिया गया है? सीनियर सिटीजन के लिए तो इतनी सारी रियायत इसमें दी है, एक 10,000 रुपये तक टैक्स, 10,000 रुपये तक का जो टैक्स का छूट सबको मिलता है सेविंग बैंक अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में, उसके बदले में उनको 50,000 कर दिया हमने कि 50,000 तक उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा, 50,000 तक की जो बैंक इंटरेस्ट की इनकम होगी उसके ऊपर कोई आपको TDS भी नहीं कटेगा। फिर दूसरा कि हम सबको 25,000 तक का इंश्योरेंस का प्रीमियम अलाउ होता है, इनकम टैक्स में से डिडक्शन मिलता है, उनके लिए हमने 50,000 कर दिया, और अगर उनको इंश्योरेंस प्रीमियम की कोई पॉलिसी नहीं मिल रही ओल्ड एज में तो 50,000 इंश्योरेंस प्रीमियम के बदले में सीनियर सिटीजन जितना भी 50,000 तक का खर्चा डॉक्टर का होता है, कंसल्टेंट के पास जाना है, दवाई खरीदना है, वो सब खर्चा भी इसमें से ले सकते हैं 50,000 तक का। और तीसरा कि गंभीर बीमारी के लिए उनका 60,000 और 80,000 का लिमिट था,
जो 60 साल वालों का 60,000 था, 80 साल वालों का 80,000 का, वो दोनों को हमने 1,00,000 कर दिया कि अगर कोई सेकेंडरी और टर्सरी बीमारी के लिए दाखिल होना पड़े तो 1,00,000 तक का खर्चा होगा, वो उनको छूट मिलेगा उससे। सर, सबका साथ सबका विकास की जब बात होती तो बजट में भी उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या किया? महिलाएं भी खासी नाराज हैं, वो उज्ज्वला योजना को छोड़ दिया जाए जिसको कि 5 करोड़ से 8 करोड़ तक पहुंचा दिया गया, महिलाओं के लिए किस तरह? देखिए, आप ये चीज मान रहे हैं कि महिलाओं को टैक्स के स्लैब में ही कुछ छूट दें तभी महिलाओं को हेल्प हुई होगी, तो गलत है।